माइकल फैराडे इन हिज चाइल्डहुड कुड नॉट अक्वायर प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। वो बहुत घर से गरीबी से परेशान थे बचपन में, और उनके मम्मी और जॉब करते थे, बर्तन पोछा का काम करते थे दूसरे लोग के घर, और इनके पापा अक्सर बीमार रहते थे। तो इन्होंने कम एज में पढ़ाई को साइड में रख के बुक बाइंडिंग की दुकान में काम पकड़ लिया माइकल फैराडे ने। और फिर क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, किस्मत में ऐसा लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बुक्स बहुत सारी आती थी वहां पर, और वो बुक्स बहुत सारी आने के कारण वो पढ़ते थे, जितना समझता था तो ठीक था, नहीं समझा तो जाने दो। और फिर एक्सपेरिमेंट करते थे, एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते वो साइंटिस्ट बन गए माइकल फैराडे। तो सी, माइकल फैराडे ने बहुत कुछ रिसर्च किया इलेक्ट्रिसिटी पर भी और केमिकल रिएक्शंस पर भी। तो अब हम देखेंगे माइकल फैराडे ने क्या किया। माइकल फैराडे ने एक कार्डबोर्ड लिया खड्डा, ही टुक वन कार्डबोर्ड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड ही प्लेस्ड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होता है किटकैट की तरह, हमको पता है उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जैक्टली किनारी पर नहीं होते हैं। उनका कितना डिस्टेंस होता है हमारे सिलेबस में नहीं दिया, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता हूं। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, कहां है, देयर इज अ कार्डबोर्ड, ऑन द टॉप ऑफ कार्डबोर्ड ही हैज प्लेस्ड अ बार मैग्नेट व्हिच हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। इट इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक डायपोल, वी कैन नेवर फाइंड ओनली नॉर्थ पोल एंड वी कैन नेवर फाइंड ओनली साउथ पोल, मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट्स, बट इट इज ऑलवेज अ डायपोल। सो इन्होंने मैग्नेटिक डायपोल यानी मैग्नेट यहां रखा, और इसके आजू बाजू में आयन फिलिंग्स डाल दिए, आयन फिलिंग्स रैंडमली किधर भी लोहे का पाउडर, लोहे का बारीक चूरा इधर डाल दिए इन्होंने। और फिर क्या किए, इस कार्डबोर्ड जो हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड था हल्का सा उसको पुश पा दे दिए, हल्का सा पुश, जेंटल पुश। तो उससे क्या हुआ, आयन, ऑन द आयन फिलिंग्स रीअरेंज्ड देमसेल्व्स इन दिस पर्टिकुलर शेप। ऐसे शेप में आयन फिलिंग्स अरेंज हो गई। उन्होंने सोचा कि आयन फिलिंग्स लगभग ऐसे ही शेप में क्यों अरेंज हो गई, एप्पल कट। तो उन्होंने सोचा कि जरूर इस मैग्नेट आयन फिलिंग दिख रही है ऐसी। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, किसने, माइकल फैराडे। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, एक्टिविटी वाज परफॉर्म्ड बाय माइकल फैराडे। एंड माइकल फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, क्या, उन्होंने एक ऐसा बार मैग्नेट लिया और उसके पास में एक छोटा सा मैग्नेटिक नीडल रखा। मैग्नेटिक नीडल समझती आपको, बारीक से सुई के जैसा मैग्नेट, छोटा सा बारीक सा पतला सा मैग्नेट। उसका साउथ पोल इधर था लेफ्ट में, राइट में, और लेफ्ट में नॉर्थ पोल था, क्योंकि नॉर्थ है तो उसको साउथ अट्रैक्ट करेगा, आपको पता है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नॉर्थ को ये साउथ ने अट्रैक्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, ये मैग्नेटिक कंपास नीडल को यहां रखा, तो ऐसी हो गई वो, ये साउथ और ऊपर नॉर्थ। फिर मैग्नेटिक कंपास नीडल को यहां रख के देखा तो टेढ़ी शेप हो गई, वो ऐसी घूम गई, पहले आड़ी थी फिर खड़ी हुई फिर ऐसी हुई, फिर यहां रखे तो ऐसी हो गई, ये साउथ और ये नॉर्थ। फिर मैग्नेटिक कंपास नीडल को यहां रखे तो हॉरिजॉन्टल की बजाय ऐसी तिरछी हो गई, और यहां पर नॉर्थ आया, यहां साउथ आया। फिर यहां रखे तो ऐसी होगी, यहां रखे तो ऐसी होगी, यहां नॉर्थ और यहां साउथ। तो मैग्नेटिक नीडल ऐसी ऐसी शेप में रखते गए तो घूमते 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 मैग्नेटिक नीडल भी ऐसी घूम गई। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों है, ये नॉर्थ से साउथ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने इधर भी रख के देखा तो इधर भी ऐसे हुआ, ये साउथ ये नॉर्थ। फिर यहां रख के देखे मैग्नेटिक नीडल, ये साउथ ये नॉर्थ। आड़ी रख के यहाँ रख के देखे तो ये साउथ ये नॉर्थ। मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखे, मैग्नेटिक नीडल बड़ी छोटी नहीं हो रही, वो दिखने में ऐसी लग रही आपको, साउथ नॉर्थ। फिर मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखे तो ये नॉर्थ ये साउथ। फिर यहाँ रख के देखे तो ऐसी हो गई, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ भी ऐसे ही हो गया, बोले ऐसे, और यहाँ भी ऐसे ही हो गया। तो जरूर इसका मतलब है
कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल में से कुछ अज्ञात अदृश्य किरणें निकल रही होंगी और वो साउथ पोल में जा रही होंगी। तो क्या हुआ, फिर माइकल फैराडे ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और वो कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, मैग्नेट से इनविजिबल रेज निकलती है, बोले लाइंस निकलती है। कौन बोले? माइकल फैराडे बोले। और वो लाइंस माइकल फैराडे को सबसे पहले दिखी है, उनके पापा को, किसी को भी नहीं दिखी क्योंकि लाइंस कभी दिखती थी मैग्नेट से निकलती हुई, है ना। तो माइकल फैराडे को लाइंस दिखी नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी उन लाइंस के बारे में बोल दिया। क्या बोला? तो उन्होंने उन लाइन को कहा मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोले? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। और उन्होंने दूसरा भी नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उनसे पूछे व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो उन्होंने कहा एक काम करो, बोले आप हॉर्स शू शेप का एक मैग्नेट ले लो, हॉर्स शू घोड़े के नाल की शेप का। आपको होता है घोड़े को ऐसा जूता पहनाया जाता, घोड़े के जो हाफ पैर होते हैं ना, हूव्स, HOOVES, हूव्स, खूर, ब्लैक कलर के कड़क, उस पे बैल पे गाय पे बहुत बोझा लटकाया जाए घोड़े वोड़े पे, तो उसकी वजह से उसके पैर क्रैक हो जाते हैं। जो लोग बहुत मोटे रहते हैं उनके पैर बहुत चौड़े रहते हैं, बड़ी चप्पल लगती है उन लोग को, जूते भी बड़े बड़े लगते हैं क्योंकि वेट के कारण पैर फैल जाते हैं उनके, वेट ज्यादा आने से। तो घोड़े पे भी जब वेट ज्यादा रखते हैं तो उसके पैर ऐसे फैल के क्रैक हो जाते हैं, तो पैर फैलना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करते, घोड़े को लेटाते और उसके जो हूफ रहता केराटिन प्रोटीन से बना हुआ पैर, उसमें खीले ठोक के, इसके अंदर गड्ढे रहते हैं, ऐसे खीले ठोक के उसके पैर को ऐसा लगा देते और घोड़ा चलता तो टप 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 का आवाज, दर्द कुछ भी नहीं होता, केराटिन प्रोटीन से बने हुए वो खूर है उसको दर्द नहीं होता, है ना। कोई तो मैं घबरा गया, अरे देवा ऐसी कई गोष्ट नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, है ना। अपन के बाल काटते तो अपने को तकलीफ होती क्या? नहीं, केराटिन। अच्छा, तो अरे अमिता अपने नाखून काटते तो कोई तकलीफ नहीं होती किनारी के, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इन्होंने क्या कहा, एक हॉर्स शू शेप मैग्नेट ले लो, बोले। ये सब बुक में नहीं दिया है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये सब चीजें यूज की है टेक्स्ट बुक में। तो हॉर्स शू शेप मैग्नेट ले लो, बोले, और उसके बीच में एक अकेला नॉर्थ पोल ला के रख दो, बोले। ऐसा होता ही नहीं, लेकिन इमेजिन करो, बोले। तो बोले ठीक है, कर लेते इमेजिन, क्या है उसमें, क्या पैसे लगते। तो इसको बोलते यूनिट टू नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट यानी एक अकेला नॉर्थ पोल। अब बोले ये अकेला नॉर्थ पोल को अगर ये नॉर्थ एंड साउथ के बड़े हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में छोड़ा जाए तो किधर भागेंगे, आपको क्या लगता है? ऐसा भागेंगे, ऐसा घूम के भागेंगे कि ऐसा जाएगा कि सीधा जाएगा? सीधा जाएंगे, शॉर्टकट पाथ फॉलो करेंगे। तो ये रास्ता जो फॉलो करेगा नॉर्थ पोल, इस रास्ते को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एग्जाम में आता है डिफाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो हम लिखते हैं द पाथ विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड फॉलो, द पाथ विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड फॉलो। वुड जो है ना वो हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी बताता, विल गारंटी बताता, आई विल कम टू मोरो टू योर हाउस, पक्का आऊंगा, आई वुड कम, ठीक है। द पाथ विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड फॉलो व्हेन इट इज केप्ट बिटवीन, व्हेन इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लिखो क्या, या बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। अच्छा, बिटवीन नॉर्थ, अच्छा, व्हेन इट इज केप्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट यानी हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट, अलग अलग शेप्स के मैग्नेट्स आते हैं दुकान में। So, the path which a unit north pole would follow, वह रास्ता जो अकेला नॉर्थ पोल फॉलो करेगा जब उसको नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में रख दिया जाए, तो उस रास्ते को, that path is called magnetic line of
फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और शॉर्टकट में अपन क्या बोलेंगे, MFL, मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, MLF, अपन MLF बोलेंगे उसको शॉर्टकट में, क्योंकि बार 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 वही नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल क्यों होता है आपको आज तक पता चला? लोगों ने माइकल फैराडे से पूछा कि माइकल फैराडे नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल रिपेल क्यों होते हैं और साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट क्यों होते हैं, तो उन्होंने कहा, रुको बताता हूं, बोले सवाल करके मेरा समय पूरा होगा, इज्जत से बेइज्जती करते रहे, मुझे मालूम है इसीलिए मैं रोज रोज नहीं आता। मिटा दू? हाँ, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग, पाचा सुनी तो ज्यादा पढ़ाना बनता ही है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी क्वालिटीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, MLF का समझते ना मीनिंग, क्या एग्जाम में भी आप MLF लिखेंगे? नहीं, स्कूल वालों को नहीं मालूम है MLF क्या है, अपन ट्यूशन में लिख ले रहे, एग्जाम में लिखना है तो यू विल राइट इन कंप्लीट स्पेलिंग, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, बाद में समझाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, मैग्नेट का खेल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज, नंबर वन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स दैट सीम टू कम आउट, दैट सीम टू कम आउट फ्रॉम फ्रॉम नॉर्थ पोल and go into the south pole outside a magnet. इसका मतलब क्या है? पहली प्रॉपर्टी कौन ने बोला? माइकल फैराडे ने. क्या बोले? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स. क्लोज का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, बोले कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लाइन निकली और ऐसी बीच में छूटती गई, आती रहेगी, क्लोज यानी ये बराबर साउथ में जाके रास्ता कंप्लीट करेंगी, और साउथ में जाके क्या करेंगी, अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएंगी मैग्नेट के अंदर और पूरा क्लोज रास्ता बनाएंगी, क्लोज का मतलब समझ गए, नॉर्थ से चालू के साउथ पे खत्म नहीं होती, साउथ से और नॉर्थ में जाती है अंदर मैग्नेट के अंदर, और फिर नॉर्थ से घूम के फिर और साउथ और नॉर्थ पूरा सर्कल बनाती है, क्लोज का मीनिंग समझ लो, क्लोज का मतलब क्या है, इसका कोई किनारा नहीं है, है ना, सर्कल कहां से स्टार्ट होता है, कहीं से नहीं, पूरे तो जॉइंट होता है, तो वैसे ही है, क्लोज है मतलब इसका कोई किनारा नहीं है, दूसरा कंटिन्यूअस लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा नहीं कि डैश 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 डैश, अभी जो आयन फिल्म बनाए जाते हैं वैसा नहीं, कंटिन्यूअस लाइंस होती है, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा यहाँ मैग्नेटिज्म नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मत पूछो कहाँ कहाँ है, हर जगह है, हर जगह है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स दैट सीम टू कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ऐसा लगता है कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकल रही है और ऐसा लग रहा है कि ये साउथ पोल के अंदर जा रही है, अब बाहर मैग्नेट के आउटसाइड, मैग्नेट के बाहर किधर जाती दिख रही, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हुई दिखाई लग रही है, आउटसाइड और इनसाइड द मैग्नेट किधर है, साउथ से नॉर्थ, बात समझ में आती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ऐसा, दूसरा पॉइंट, साउथ से नॉर्थ जाती है ना मैग्नेट के अंदर, बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जाती, मैग्नेट के अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ, और सीबीएसई बोर्ड की एक नोट आते हैं मार्केट में गोल्डन गाइड नाम से, उसमें ट्रू फॉल्स पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स
स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पहली बात तो स्टार्ट और एंड ही नहीं होती। स्टार्ट तो वो चीज होती है जिसका किनारा होता है, एंड तो वो चीज होती है जिसका किनारा होता है। ये तो स्टार्ट और एंड होती ही नहीं है, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस लाइन है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ, हाँ दूसरा पॉइंट है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, पूरा लिख देता मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बोल सकते हैं। नो टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एवर मीट और नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को आपस में इंटरसेक्ट होना अलाउड नहीं है, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कोई भी दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। आप चाहे तो पूछ सकते क्यों नहीं इंटरसेक्ट होती। हाँ तो सुनो आंसर, मान लो ये एक ब्लैक वाली लाइन है, ऐसी दिख रही है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए आउटसाइड द मैग्नेट। मान लो एक दूसरी लाइन है ऐसी, ये वाली लाइन है, ये लाइन भी ऐसे जा रही है नॉर्थ से बाहर की तरफ घूम के, और किधर जा रही है घूम घूम के, साउथ की तरफ जा रही है। क्या दो लाइन इंटरसेक्ट हुई इस डायग्राम में? हाँ, रेड वाली और ब्लैक वाली लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हुई, और कहीं इंटरसेक्ट हुई? यहाँ इंटरसेक्ट हुई। तो जहां लाइन इंटरसेक्ट हुई वहां पर अगर हम मैग्नेटिक कंपास नीडल रखेंगे, तो मैग्नेटिक नीडल यहां रखेंगे तो क्या दिशा बताएंगे वो? ये साउथ बोलेंगे और ये नॉर्थ बोलेंगे। मैग्नेटिक नीडल यहां रखेंगे आप सुई की तरह मैग्नेट, तो वो क्या बोलेंगे? ये साउथ बोलेंगे और ये नॉर्थ बोलेंगे, ऐसी दिशा पटाली बताएंगे। और यहां रखेंगे तो ऐसी बताएंगे, ये साउथ और ये नॉर्थ, ऐसा बताएंगे। और यहां रेड वाले में रख देंगे तो, यहां मैग्नेटिक नीडल रख देंगे तो कंपास नीडल बार मैग्नेट छोटा सा, ये साउथ बोलेंगे ये नॉर्थ बोलेंगे, यहां रख देंगे तो ये साउथ बोलेंगे ये नॉर्थ बोलेंगे, लाइन ऐसी बताएंगे। मैग्नेट ऐसा रहेगा ना हॉरिजॉन्टल, यहाँ टेढ़ा रहेगा मैग्नेट, यहाँ रखेंगे तो मैग्नेट ऐसा हो जाएगा, ये साउथ और ये नॉर्थ। किंतु अगर जॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट हुई वहां मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो बताओ रेड लाइन की तरफ बताएंगे या ब्लैक की तरफ बताएंगे? नहीं बता सकती एक साथ दो दो दिशा। क्या एक मैग्नेटिक नीडल ऐसा भी और ऐसा भी दो दो डायरेक्शन बता सकती? नहीं। मीनिंग समझ रहे हो? मैग्नेटिक नीडल अगर यहां रखे तो या तो ऐसा दिशा बताएंगी मैग्नेटिक नीडल, या तो वो ऐसी रहेंगी ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसा बताएंगी, या तो फिर इधर रेड वाली, या तो ऐसा रहेंगी ये नॉर्थ और ये साउथ। एक ही नीडल दो दो थोड़ी टूट जाएगी बीच में से, बोलेंगे ये भी नहीं होता। तो मैग्नेटिक नीडल एक ही डायरेक्शन बता सकती है, इसलिए दो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। और माइकल फैराडे से पूछा गया नॉर्थ पोल रिपेल क्यों करते हैं, तो उसने कहा देखो बोले ये है बोले बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से क्या निकलती बोले लाइन्स, ऐसी कहां जाती लाइन्स, साउथ की तरफ जाती बोले आउटसाइड द मैग्नेट, ऐसी लाइन्स निकलती है बोले बहुत सारी। और दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला लिया तो ये नॉर्थ, इसमें से भी लाइन्स निकलती, इसमें से भी लाइन्स निकलती, और ये लाइन्स अब क्या हो रही बोले दोनों इसकी और उसकी लाइन्स इंटरसेक्ट हो जाएंगी, और इंटरसेक्ट होना अलाउड है क्या उनको? नहीं है। तो इंटरसेक्ट होना अलाउड नहीं है तो ये बोलेंगे पीछे सरको पीछे सरको, दोनों पीछे पीछे सरक जाएंगे बोले, और फिर अपने अपने लाइन्स बना के ऐसे पीछे भेजेंगे बोले ऐसे घुमा के, समझ रहे हो? लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए वो रिपेल करते बोले। और यहां अगर आपने लोहे का किला रख दिया तो बताओ किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? किसके भी नहीं। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं रहती वहां मैग्नेटिज्म जीरो रहता, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहती है वहां मैग्नेटिज्म होता है। जहां जहां मैग्नेटिक लाइन्स है फैली हुई वहां वहां मैग्नेटिज्म है, और जो गैप में मैग्नेटिज्म जहां लाइन नहीं है वहां मैग्नेटिज्म जीरो है। ये दो लाइन्स के बीच में लाइन नहीं है तो यहां मैग्नेटिज्म नहीं है, ये लाइन पर है, ये लाइन पर है, दो लाइन्स के बीच में मैग्नेटिज्म नहीं है। हाँ अगर बहुत गहरी गहरी लाइन्स है यहां भी लाइन आती है तो यहां भी मैग्नेटिज्म रहेगा। सेकेंड पॉइंट समझा किसी को? अब थर्ड पॉइंट क्या कहता मालूम है? थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड एट अ प्लेस,
इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड वर्ड लिखो तो चलता है, मैग्नेटिज्म लिखो. मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग यानी मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट. जहां मैग्नेटिक लाइन बहुत क्राउडेड रहती है भीड़, वहां मैग्नेटिज्म का पावर ज्यादा है. एंड उसका ऑपोजिट कन्वर्स. एंड इफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एट दैट पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म इज वीक एट दैट पॉइंट. समझाता हूं इसका मीनिंग. जैसे ये मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उस बार मैग्नेट से लाइन्स निकल रही है. ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, और बनो दो लाइन्स का इंटरसेक्ट करना अलाउड नहीं है, और बीच बीच में बनाने जाऊंगा तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे गलती से, तो गलत दिखेगा. तो ये छोटा मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके बीच में जो लाइन्स है वो दूर दूर है लाइन्स, तो इनमें मैग्नेटिज्म कम है. और ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इनके बीच में लाइन्स बहुत क्राउडेड है, एकदम नजदीक नजदीक लाइन्स है, बहुत सारी लाइन्स है और बहुत नजदीक नजदीक है. बताओ कहां मैग्नेटिज्म ज्यादा है, ये दो मैग्नेट्स के बीच में या ये ओ, इसको नॉर्थ नहीं करना चाहिए ना, गलत हो जाएगा, साउथ और ये नॉर्थ, तो इसमें मैग्नेटिज्म वीक है. सॉरी सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ तो दूर भागते हैं, है ना. तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये लाइन्स देखो पास पास है, एकदम नजदीक नजदीक, क्राउडेड कंजेस्टेड है. तो जब ये लाइन्स कंजेस्टेड रहती है तो समझ जाओ मैग्नेट पावरफुल है. या इसका उल्टा, अगर पावरफुल मैग्नेट आपने खरीद के लाए दुकान से, तो समझ जाओ उसमें से जो लाइन्स निकल रही होंगी वो बहुत नजदीक होंगी, वो लाइन्स आपको नहीं दिख रही. लेकिन आपने सस्ता वाला खरीद के लाया मैग्नेट और वीक मैग्नेट है, उसमें ज्यादा मैग्नेटिज्म नहीं है, तो समझ जाओ उसमें से लाइन्स निकल रही है लेकिन दूर दूर है लाइन्स, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. क्या कहते हैं ये बताओ मुझे, मैग्नेटिज्म यहां ज्यादा है पॉइंट ए पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है या सी पर ज्यादा है? सी पर ज्यादा है मैग्नेटिज्म. क्यों? यहां लाइन देखो एक दो तीन चार पांच नजदीक नजदीक है और यहां दूर 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 सरक गई लाइन्स, और दूर सरक गई, तो लाइन्स दूर दूर सरक गई. तो जहां लाइन्स दूर दूर होती है वहां मैग्नेटिज्म कम होता है, जहां लाइन्स पास पास होती है वहां मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है. उसको उल्टा भी बोल सकते, जहां मैग्नेटिज्म ज्यादा है समझ जाओ लाइन्स पास पास होंगी, जहां मैग्नेटिज्म कम है वहां लाइन्स दूर दूर होंगी. बात समझ में आ रही है? yes, oh, 8:30 बज रहे. अब एक और चीज सुन लो, इसकी टोटल प्रॉपर्टीज कितनी है? तो लगभग 12-13 है, लेकिन अपने काम में कितनी आएंगी? तो 3. 3 से अपना 10 निप जाता है, है ना, निपट जाता है. हाँ, और जब आप 11th में जाओगे तो आपको 12-14 प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा. हाँ देखो, दो वायर्स है, एक इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर्स. दूसरा वायर है उसमें से भी 2 एम्पियर्स करंट जा रहा है. ये दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? दो इलेक्ट्रिकल वायर्स है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. तो दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों में मैग्नेटिज्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. जिस वायर में से करंट फ्लो होता है उसके आसपास मैग्नेटिज्म आ जाता है. तो अगर मैग्नेटिज्म आएगा तो दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो आपको तुक्का ही मारेंगे, आपको तो मालूम ही नहीं है. तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. क्यों? फैराडे से पूछे कि भैया बोले दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जाता तो दो वायर नजदीक आ जाते. बोले हमने देखा अपने जीवन में, तो ऐसा क्यों होता? बोले नजदीक क्यों आ जाते वो? तो फैराडे ने कहा दो वायर अट्रैक्ट करते ना, बोले एक दूसरे को, इसलिए नजदीक आ जाते. तो लोगों ने कहा अट्रैक्ट क्यों करते?
तो बोले देखो ये वायर में से करंट जा रहा है तो उसकी लाइन ऐसी मैग्नेटिक लाइन बनती, बोले करंट बढ़ाओगे तो सर्कल कैसे बनेंगे, बोले नजदीक नजदीक, और करंट कम करोगे तो सर्कल्स दूर दूर, तो करंट फ्लो हो रहा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते, बोले इनविजिबल, और इसके भी क्या बनेंगे इनविजिबल, इसमें कितने सर्कल बना है, एक दो तीन चार, ये भी कितने बनाएंगे, चार, एक दो तीन, और ये चौथा बना रहा है, लेकिन चौथा सर्कल इसमें इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो चौथा सर्कल क्या करता है, बोले ऐसा घूम जाता है, बोले ऐसा चौथा वाला, और बोलता है बोले नहीं यार मुझे इतना लंबा घूम कर जाना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे किसी ने खींच दिया है रबर की तरह, और अगर रबर को खींच दिया जाए तो रबर क्या होना चाहता है, छोटा होना चाहता है, तो ये छोटा होना चाहता है चौथा वाला सर्कल, और छोटा होने के चक्कर में दोनों वायर्स को पास में ला लेता, मतलब तुम पास में आओ तो मैं छोटा हो सकूंगा, समझे। और माइकल फैराडे से पूछे थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों अट्रैक्ट होते, तो ये है नॉर्थ पोल बोले, और ये दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है बोले, नॉर्थ से लाइन निकलती है बोले इनविजिबल साउथ में जाती है, और ये लाइन क्या होना चाहती है, तो खींचे हुए रबर की तरह रहती बोले लाइन, रबर बैंड छोटी का, तो रबर क्या होना चाहता, छोटा, तो ये भी लाइन छोटी होना चाहती है, तो छोटी होने के चक्कर में बोले ये साउथ और नॉर्थ इनको खींच के पास में ला लेती है, इसलिए नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट होते हैं, समझे। ऐसा फैराडे ने लोगों को समझाया, लेकिन इसके पीछे रियल रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, कल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कहां से आता है ये भी कल समझाऊंगा, और लोहे में सोने चांदी में क्यों नहीं है मैग्नेटिज्म, क्या उसमें भी होता है, हाँ, गोल्ड सिल्वर एयर हाइड्रोजन सब में और मैग्नेटिज्म है, ऑक्सीजन में भी है, बहुत बढ़िया।